हाय गाइस, सत श्री अकाल। आज का व्लॉग जो है वो मेरी चटपटी क्रेविंग से शुरू हो रहा है। और आप मानोगे, सुबह 7 बजे, हाँ आज मैं जैसे ही उठी, बस खाना वाना। आज ऋत्विक की छुट्टी थी तो बहुत सारे चीज़ें उसी के हिसाब से प्लान होंगी, लेकिन मेरा मन चटोरा कुछ ना ऐसे चटपटा खाने का था। तो फिर क्या खाया जाए, हेल्दी ऑप्शन भी रखना है ना, क्योंकि मैं अनहेल्दी की तरफ नहीं जाती हूँ। तो मैंने बनाया सुबह सुबह ढोकला, और बहुत ही अच्छा बना, स्पोंजी सा, चटपटा सा, नींबू चीनी डाल के, मतलब ना इतना टेस्ट सेटिस्फाई हो गया आज। पर हमेशा की तरह मैंने पहले अपनी स्मूदी ही ली थी, क्योंकि हेल्दी चीज़ हमेशा मेरी प्रेफरेंस रहती है, स्पेशली इस हालत में। और ये क्रेविंग मैंने पूरी की थी 10-11 बजे के बीच में। सुबह बना के इसलिए रख लिया था क्योंकि मैंने सोचा मम्मी पापा नाश्ता करेंगे तो उसके साथ वो भी थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। फिर झाड़ू वाली आंटी आते हैं जो, उन्हें भी बहुत अच्छी लगती हैं ये चीज़ें और बहुत प्रेज करते हैं कि मीनू तो सब कुछ बना लेती है, तो फिर मैंने सोचा वो भी ले लेंगे। हरित्वी ढोकला इतना ज़्यादा नहीं खाती है, वैसे मेरे हाथ से बाद में 1-2 पीस खा लिए थे, क्योंकि बेसन की चीज़ वो बोल देती है कि मम्मा सूखा सूखा लगता है, तो फिर इसलिए मैंने साथ में ही नाश्ते के बना के रख लिया था। ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि हरित्वी स्कूल नहीं जाने वाली थी, उस तरह से मूड सेटअप नहीं था मेरा। पित्तल ते ओ सोना अंबा खुदा, हरित्वी हाय। ना कोई होना में मैं पित्तल ते ओ सोना अंबा खुदा, मेरी खुशी का आज रीज़न ये है कि बैल साहब आने वाले हैं। आज नहीं आने वाले, 1-2 दिन में आने वाले हैं, लेकिन मतलब वहाँ से उनकी जो है ना वो तैयारियाँ शुरू हो गई हैं आने के लिए। टिकट विकेट बुक हो गई है, आज उनकी पैकिंग हो गई है, आज उनकी लास्ट ड्यूटी है। दैट्स व्हाई आई एम वेरी हैप्पी। सांस फूल जाती है। आप बताइएगा, आपको भी ऐसे होता है? 6-7 मंथ मेरा स्टार्टेड है अब, तो मुझे सांस फूलने की बहुत दिक्कत हो रही है। तो चलिए दोपहर का लंच बनाते हैं। आज बन रही है लौकी दाल और आलू के परांठे, जो मेरी क्रेविंग है। और उसके बाद लंच की तैयारी शुरू कर दी। लंच में मैंने दाल भिगो ली थी सुबह ही, चने की, जो येलो चना होता है ना, आधी दाल जो होती है उसमें सौंफ डाल के उसको भिगो लिया था। पहले मैंने सोचा था चना दाल और चावल बना लूँगी, लंगर वाली दाल होती है बहुत टेस्टी बनती है, वैसी बनाने का मेरा प्लान था, क्योंकि हरित्वी को पसंद है। लेकिन हरित्वी ने बाद में बोला कि उसको आलू परौंठा खाना है। आजकल वो जब भी उसे छुट्टी होती है ना कोई परौंठा मांगती है दही वगैरह के साथ, मुझे बहुत टेस्टी लगता है गरम गरम मक्खन के साथ। तो फिर मैंने सोचा थोड़ी सी लौकी पड़ी है, चलिए मम्मी पापा के लिए लौकी की दाल और चावल बना लेती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा को दोपहर में परांठे दूंगी, एज वाइज भी अच्छा नहीं है, और फिर सूटेबल सा भी नहीं लग रहा था। मुझे लगा कि उन्होंने बोलना है अपना काम ख़त्म करने के लिए हमारे लिए दाल चावल बना दिए, बट ऐसा हुआ नहीं। जब मैंने दाल चावल बने हुए थे, जब मैं परौंठे बना रही थी, तो मैं बहुत खुश थी दाल पे, इसलिए मैंने अपने गाने वाने लगाए थे, सारा डांस वांस कर रही थी। ये मेरा रोज़ का काम है। ऐसा होता है ना, आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपके मूड पे डिपेंड करती हैं, या बयान लीजिए कि मूड एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता है। तो मैं अपने आप को चार्ज रखने के लिए दोनों चीज़ों को, अपने मूड को और अपनी एक्टिविटी को फुल ऑन रखने की कोशिश करती हूँ। आप लोग बोलते हो कि आप इस हालत में भी बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत मेहनत करते हो, बहुत काम करते हो, ये वो, आप इतना खाने के लिए वक्त कैसे निकाल लेते हो। तो अगर हम सबका ध्यान रख सकते हैं ना, तो हमारा ध्यान हमें ज़रूर रखना ही है, स्पेशली इस हालत में। तो उसके लिए आपको अपनी डाइट के ऊपर भी ध्यान रखना है, आपको अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। सो, मैं अपनी चीज़ें मैनेज करके चलती हूँ। हर काम का मेरा एक प्रॉपर टाइम टेबल होता है, उस अकॉर्डिंग ही मैं चीज़ें करती हूँ। जैसे मुझे गूंद तकीरा वाला लेमन वाटर लेना है, तो मैंने सुबह ही बना के उसको इस बॉटल में रख लेना है और उसे 2 बार करके पी लेना है। लेकिन सुबह मैं इसमें नमक डालना भूल गई थी, क्योंकि काला नमक डब्बी में ख़त्म हो गया था, तो मैंने चीनी वगैरह घोल के, नींबू वगैरह घोल के गूंद तकीरा डाल के रख लिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। तो इन दिनों आपको एसिडिटी की दिक्कत हो सकती है, जलन की दिक्कत हो सकती है, तो उससे भी आपको ये रिलीफ दिलाता है, आपको कॉन्स्टिपेशन दूर करता है। कॉन्स्टिपेशन दूर होगी, ऑटोमेटिकली पाइल्स दूर होगी, आपको हाइड्रेट रखेगा। और जितनी आपकी बॉडी इस हालत में हाइड्रेट रहती है ना गाइज, आप उतने ही ज़्यादा एक्टिव रहते हो।
ठीक है, तो आपको ये गूंद तकीरा का पानी बहुत ही बेस्ट रहेगा। अगर आप इसके को बना के रखना चाहते हो आप रखो, पर ज़्यादा मत बनाएं। मैं एक नींबू के 2 गिलासेस इतने बनाती हूँ, जो नॉर्मल हमारे घर में ग्लास होता है, तो मेरी बॉटल में 2 गिलास ही आते हैं। तो एक तो मैं सुबह ही पी लेती हूँ 9 बजे के तकरीबन, जब मेरा विटामिन सी एंड उसमें फॉलिक एसिड है उसका सेशे लेना होता है, तो उसके साथ ही मैं लेमन वाटर पीती हूँ। और क्योंकि आपकी बॉडी में अगर आप चाहते हो कि आयरन वगैरह अच्छे से डिजोल्व हो जाए, तो उसके साथ विटामिन सी चीज़ उसी टाइम पे ले लीजिए, फिर आपको कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होती है। तो इसलिए मैं उस टाइम पे ले लेती हूँ, और एक मैं 11-12 बजे के तकरीबन ले लेती हूँ। बस अपने वाटर इनटेक पे अच्छे से ध्यान रखना है, अपनी पॉजिटिव रखना है, अपने आप को अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में तो आम ही डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं। अगर आप अकेले हैं, पूरे घर को अकेले संभाल रहे हैं, आपके पास रेस्ट के लिए टाइम नहीं है, या आपको लगता है मेरी कोई हेल्प नहीं हो रही, क्योंकि इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम भी लगता है, पेशेंस बहुत लगता है कि हाँ मैं अकेली सब कुछ कर सकती हूँ, कोई बात नहीं, मेरे साथ कोई है नहीं है, कोई हेल्प कर रहा है नहीं कर रहा है, या बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास ऐसी होती हैं कि कुछ लोगों को हेल्प मिलती है लेकिन उनको सुनाया बहुत जाता है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उस चीज़ को फेस करने के लिए हिम्मत पेशेंस बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हमारा पॉजिटिव माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें अपने खाने पीने पे और बॉडी को हाइड्रेट रखने पे बहुत ध्यान देना है। तो आलू का मसाला मेरा रेडी हो गया था, उसमें मैंने चीज़ वगैरह अच्छे से डाली ताकि अच्छे से हरित्वी को टेस्ट आ जाए। उसके बाद ये सेल्फ का वो कॉर्नर है जो मैं चपाती बनाने के लिए आजकल यूज़ करती हूँ, इस पर मेरा ढाबा खुलता है, सिंपल सी बात। तो ढाबा खोलने से पहले मैं इसे अच्छे से साबुन से जो है वो धोती हूँ, फिर एक बार गीले कपड़े से साफ़ करती हूँ, 2-3 बार सूखे कपड़े से, मतलब कहने की बात ये है कि उस एरिया को मैं बार बार अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, फिर ही उस पर मेरा जो ढाबा खुलता है उससे क्या होता है, टाइम भी बचता है, खड़े होने से मैं बचती हूँ, और फटाफट से अपनी स्पीड को इन्हांस करके अपना जो है वो काम अच्छे से जो ख़त्म कर लेती हूँ मैं। दाल वगैरह को मैंने तड़का लगा के साइड पे रख दिया था, मेरे चावल बन गए थे। परौंठे का टाइम मतलब 1 बज गया था, मैंने मम्मी को भी बोल दिया था कि मम्मा लंच ले जाओ आके। और यहाँ पे बस मेरा गाना वाना चल रहा है, आज मस्त मूड में हूँ मैं, बहुत खुश हूँ, ढोकला खा लिया है, सुबह सुबह क्रेविंग सेटिस्फाई हो गई है, पति देव का फ़ोन आ गया है, उनकी पैकिंग हो गई है, वो आने वाले हैं, और बच्चे के साथ तो मैं खुश रहती ही हूँ। मैंने आज ना हरित्वी के साथ बहुत सारा शूट आपके साथ शेयर किया है कि किस तरह हम ही दोनों एक दूसरे की दुनिया है, और किस तरह इसी ने मेरी ज़िंदगी में बहार लाई है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ हरित्वी के लिए बेस्ट बेस्ट से परौंठे, और साथ ही मम्मी ने बोल दिया कि हम भी खा लेंगे, तो मैंने सोचा चलो उन्हें भी दे देती हूँ, है ना। होता है ना, मुझे ना खाना बनाना खिलाना उतना पसंद है अब, पहले बिल्कुल नहीं था। पहले तो मुझे प्याज काटना भी नहीं आता था, मैंने ज़िंदगी का सफ़र ना बहुत ज़ीरो से यहाँ तक जो है वो चलाया है, अपनी इच्छाएं बहुत मारी हैं, अपना सक्सेसफुल करियर छोड़ा है, बहुत कुछ ऐसा छोड़ा है, कोई बात नहीं, बट आई एम एंजॉयिंग नाउ। तो यहाँ पे परौंठा गरम गरम तैयार था, और साथ में मैंने बूंदी का रायता हरित्वी के लिए बना दिया है, वो खा लेती है, वैसे उसे प्याज टमाटर वाला रायता बहुत ज़्यादा पसंद है, बट आज शायद टमाटर ख़त्म हुए थे इसलिए प्याज टमाटर का मैंने नहीं बनाया। तो यहाँ पे उसकी प्लेट सज गई है, मक्खन, मतलब हेड ऑफ़ द फैमिली को खाना पहले दिया जाता है, लेकिन मेरे लिए मेरा हेड वो ही है। तो ये है मेरी थाली, एक कटोरी दही की, साथ में एक परौंठी और दही पानी दवाई के लिए, क्योंकि मैं मल्टीविटामिन इस टाइम पे लेती हूँ, तो खाना खाते खाते आधे में ही मल्टीविटामिन आपको ले लेना है, ताकि वो भी आपकी बॉडी में अच्छे से नहीं फिर रखने नू कहने क्या सीगा खलारा पाना आंदा है सफाई करने टाइम मम्मा याद आ जाती। आ देखो देखो ये देखो ये देखो मम्मा विल डू, बस बाहर से ना झाड़ू लाना पड़ेगा, ये तो मैं सारी सफाई कर लूंगा। ले आऊंगी, वो बेड की ना नीचे रख जाती है आंटी, फिर मुझे झुक के निकालना पड़ता है, मैं देखती हूँ। नीचे वो कर देती है आंटी। आज पूरी दोपहर हरित्वी ने ये बनाया है, मैंने भी उसकी थोड़ी सी हेल्प की है, हेल्प इन द सेंस ये मैंने लिखा है क्योंकि ये खाली जगह थी ना, तो मुझे लगा लिख देती हूँ, थोड़ा अपनी वो ना क्रिएटिविटी शो करने का मौका मिल जाता है, अपने टीचिंग के डेज याद आ जाते हैं। और हरित्वी का मुझे ना ये वाली चीज़ सबसे ज़्यादा प्यारी लगी है, इट्स ऑसम। और दिस वन और ये स्कूल में बना के लेके आया था, और ये मासूम सा बुब्बू ना मेरे को रेस्ट नहीं करने देता।
दोपहर ना जब मैं फ्री हुई हूँ खाना वाना खा के सारी किचन विचन क्लीन करके 2 बजे मैंने सोचा थोड़ा लेटती हूँ, थोड़ा शायद सो भी लूंगी 1 घंटा। बट ये बंदा, इस बंदे ने मेरे अरमानों पे पानी फेरा, मेरी प्लानिंग खराब की है। इसने 1 सेकंड भी मेरे को लेटने नहीं दिया। और अब जो इतना भी मैस हो गया ना, वो किसको क्लीन करना है? मुझे, क्योंकि ये जनाब थक गए हैं, है ना। और ये इतने थक गए हैं कि जो किचन की चेयर है ना, जो मेरे लिए है बैठने के लिए, इस पे ये बैठेंगे, है ना। इतना थक जाते हैं। अभी क्या खाना है आपको? कुछ तो खाऊंगा। खाऊंगा, ब्रेड है नहीं है, नहीं तो ब्रेड का कुछ बना देती। अब बना रही हूँ मैं चाय, क्योंकि वो रेस्ट नहीं हो पाई तो मेरा हेड जो है ना, ये चीज ऐसे हो रही है। और लिटल लिटल मुझे किसी चीज की स्ट्रेस है। जब स्लीप, स्लीप, हाँ स्लीप, उसी को रेस्ट बोलते हैं। मैं नैप हूँ, मैं इसका बुरा हाल है, मैं नहीं सोनी चाहिए। हाँ मेरे साथ आज एक नया इशू हो गया, जिसकी वजह से मुझे लिटल लिटल स्ट्रेस हो रही है। थोड़ा वो ठीक नहीं है इस मंथ में, तो मुझे डॉक्टर से बात करनी है। डॉक्टर से बात होगी 5 बजे के आसपास, वो कॉल उठाते हैं शाम को। तो मम्मा क्यों, वो डॉक्टर आपका रिश्तेदार है जो आपको बता के वो 4-5 बजे उन्हें उन्होंने बता के रखा है, क्योंकि वो छुट्टी मतलब 4 to 2 to 5 घर लंच वंच के लिए वो छुट्टी लेते हैं। चाय वाय पी, हृथ्वी को छोटा सा स्नैक दिया, उसके बाद जितना भी इसने आज मैस क्रिएट किया था वो सारा साफ़ किया। हृथ्वी को छुट्टी इसलिए थी क्योंकि हमारे एरियाज़ में बहुत ज़्यादा फ्लड आया हुआ है। बारिश तो नहीं है लेकिन डैम से पानी छोड़ा गया है। गांव वाले एरिया में बहुत ज़्यादा फ्लड था, इसलिए इनके स्कूल में छुट्टी हो गई। फिर बसेस को दिक्कत होगी, दैट्स वाई ये घर पर थी। और इसका बहुत सारा मतलब चार्ट वगैरह बना दी थी, बहुत कुछ कर रही थी आज ये। तो जो भी इसने मैस क्रिएट किया था, अब मैं साफ़ कर लूँगी, फिर ही जो है बाकी काम करूंगी। नहीं तो क्या है कि फैन चलता है तो फिर कागज के टुकड़े इधर उधर ना बेड के नीचे चले जाते हैं। दैट्स व्हाई कोशिश करती हूँ कि जितना साफ, और वैसे भी मुझे ना कचरा दे के गुस्सा आ जाता है, मैं गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इस हालत में बहुत ज्यादा सफाई तो हो नहीं पाती, तो जितनी हो पाती है उतनी करनी चाहिए, है ना। आज रात का लंच जो है, क्योंकि दोपहर में चावल किसी ने नहीं खाए, दाल किसी ने नहीं खाई, तो फिर वही यूज़ होंगे। और हृथ्वी के कल के स्कूल के लंच के लिए जाएगा साबूदाना, वो भिगोऊंगी। यहाँ इमली की चटनी बन रही है क्योंकि स्टॉक ख़त्म हो गया है। और यहाँ पे आलू बहुत ढेर सारे बॉयल किए हैं क्योंकि चाहिए, साबूदाना भिगो लिया। साबूदाना के बड़े बनेंगे कल, तो उसके लिए मैंने साबूदाना भिगो दिया है, फिर रात को फ्रिज में रख लूँगी। आलू वगैरह बॉयल कर लूँगी, अभी टाइम है मेरे पास। एंड अब मैं बैठ के अपना व्लॉग एडिट करके पब्लिश करूँगी। और साबूदाना ज़्यादा भिगोया क्योंकि कल हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट, आप गेस्ट बोल सकते हैं, बाबा जी से रिलेटेड वो हैं, सिंह साहबान टाइप, वो ना धार्मिक कार्य करते हैं, उनके लिए डोनेशंस वगैरह इकट्ठे करते हैं, नीडी पीपल्स के लिए, गरीब लड़कियों की शादियां करवाते हैं। तो हमसे जितना हो पाता है थोड़ा बहुत हम भी देते हैं, हेल्प करते हैं उनकी। तो वो आएंगे, तो मैंने सोचा वो चाय के टाइम पे आएंगे, तो फिर मैंने सोचा उनके लिए ना साबूदाना के बड़े जो है वो सर्व कर दूंगी। तो फिर इकट्ठा ही सारा प्रिपरेशन अब चलेगा। 48 वो तो मैंने बोल दिया, आपने 46 कुछ बोला ना, 46 होता नहीं है। 48 चलो मैं फिर से बोलूं। हाँ, 8 1 8 8 1 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2 6 8 8 2
16 टाइम हो गया है, 7 बज गए हैं और यहाँ पे ये शोले मूवी लगी है स्टार गोल्ड पे और हमेशा की तरह कैसे लगी है म्यूट पे। और यहाँ पे हरित्वी पढ़ाई कर रहा है, ऑलमोस्ट उसका ओनली 1 क्वेश्चन रह गया, बस मैं उठ जाऊंगी फिर हम चलेंगे डिनर की तरफ, क्योंकि डिनर का काम आज बहुत कम है, टेंशन नहीं है। सुबह इसके लंच में जाएंगे साबुदाना बड़ा, तो उसकी थोड़ी सी प्रिपेरेशन करनी है। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो मैंने यहाँ पे एक बनाना खा लिया है जो नीचे गिर गया है, वो बाबू रोज खाते हैं, नहीं शाम को नहीं खाती मैं, और साथ ही साथ मैंने व्लॉग अपलोड किया है। थ्रूआउट माई दिस जर्नी ऑफ 7 मंथ्स सबसे बेस्ट चीज़ मेरी लाइफ में ये रही, मेरी जो केयर हुई है, केयर के नाम पे मेरे साथ जो भी हुआ है वो सिर्फ इसने किया है। ये घर में बड़ा बच्चा होने का पूरा फर्ज निभा रहा है और ये निभाएगा। आई एम प्राउड ऑफ माई बुगड़ी मुगड़ी शुगड़ी
और इसकी राइटिंग इतनी सुंदर है ना, उसे देख के मुझे इतनी खुशी होती है। मतलब जब आपका बच्चा आपके नक्शे कदम पे चलता है बहुत ही खुशी होती है। इसकी ड्राइंग बाबू टाइम मत वेस्ट करो, मैंने खाना बनाने चले जाना है, मेरे बिना एक अक्षर नहीं पड़ेगी ये। मैं 2 घंटे से ना बैठी हूँ और उसी के भेजो किचन में जो काम करने हैं वो कर रही हूँ, बाहर से कपड़े उठाए नए लगाए जो जो करना है वो कर रही हूँ, पौधों को पानी रह गया है वो देना है मैंने। तो इसी में मैं क्या करती हूँ, एडिटिंग करके ब्लॉग पब्लिश करके थंबनेल उसी में इसको पढ़ाती भी हूँ और इसको हर होमवर्क रिटर्न वर्कशीट बना के करवाती हूँ। और होमवर्क से एक्स्ट्रा भी जो मैं करवाऊंगी मैं रिटर्न में कराऊंगी, क्योंकि बीइंग अ टीचर, जो आपके मम्मी पापा टीचर हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं बहुत। हाँ, चटनी बन के रेडी हो गई है, इसको मैंने ठंडा भी कर लिया। अब इसको मैं कांच के बर्तन में निकालूंगी। हाँ जी, क्योंकि कांच के बर्तन में ये उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करती है और इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। जी बोलो। लियर्न कर लिया तो लिख लो। अरे तो मेरे को गुस्सा आ जाएगा, 1 मिनट भी आप मेरे बिना नहीं रहते हो। धीरे, अभी लगना था। आते जाते ठुक ठुकाई कहाँ चलो। ये कनाडा जा रही है वैनकूवर मामू के पास। क्वेश्चन लर्न कर ले बाबू, एक भी क्वेश्चन मेरे बिना नहीं किया। आलू उबल गए हैं, ठंडे हो गए, इन्हें छिले तो मैं पैक कर लूंगी। चलो मम्मा, आप एक काम, बहुत बड़े इंपॉर्टेंट मम्मा, मैं एक इंपॉर्टेंट सामान करने जा रहा, भूल गया था, आप ही हो इंपॉर्टेंट सामान, आ जाओ चलते हैं। ये तुम्हारा एक चश्मा, फिर तो शेफ ले जाता हूँ। चलता फिरता शेफ ले जाओ। इसको शेफ भी मिल गया, इसको टीचर भी मिल गया, इसको माँ भी मिल गई है, इसको डॉक्टर भी मिल गया है ना। कैसे मम्मियाँ हर रोल प्ले कर लेती हैं। बाबू चलो मम्मा, सीरियसली मम्मा काम कर लो यार, मम्मा काम खत्म कर लेना। कहाँ जाना है? मेरे वैनकूवर। चलो ऋतिक के वैनकूवर चलते हैं, काम नहीं खत्म करने देना आज। जाने मैंने अच्छा, मैं बहुत इम्पोर्टेंट सामान हूँ, इम्पोर्टेंट भी हूँ और सामान भी हूँ, है ना। चल मेरा बेटा प्लीज यार कर लेना, साथ में बैठो ना। तो खाना मेरी मम्मा थोड़ी बनाएगी आके, यार 7:20 हो गए, मेरे ना मोटिव होता है 8 बजे तक खाना खा लें क्योंकि फिर डाइजेस्ट हो जाता है। अपना खाना होनी मंगा के कहाँ से? जनोड़ी से, नानू तो नहीं आएंगे, स्कूटी में बस कल पहुंचेगा। जैसे तैसे हरित्वी को बिठाया क्योंकि उसका लास्ट ही होमवर्क रहता था, तो पर खाने का टाइम हो गया था और मुझे खाना जो है ना रात को स्पेशली, वैसे तो 3 टाइम का खाना जो भी मेरा जाता है वो मैं टाइम से ही लेती हूँ, इधर उधर नहीं लेती हूँ, तो मुझे ये कंप्लीट करना था। तो थोड़ा सा जीरे का छोंक, हींग का छोंक जो है वो मैं लगा रही हूँ, देसी घी में दाल को तड़का मार रही हूँ या टेस्टी हो जाए। इस टाइम तक ना बत्ती गुल हो गई होती है मेरी, मुझसे खड़े होने में दिक्कत होती है, सांस बहुत फूलती है, उस हिसाब से भी बहुत दिक्कत है। लेकिन बाऊ जी कहाँ अकेले बैठने वाले हैं, बाऊ जी फिर से पीछे पीछे आ गए हैं, कुछ ना कुछ काम लेके आ जाएंगे कि ये कर दो वो कर दो, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, तो वही सब चल रहा है ज़िंदगी में। बाहर आपकी ना, मुझे लगता है मुझे मेरी लाइफ में तो इसी से बाहर आई थी। किसी टाइम पे इसकी बर्थ स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत मुश्किलों से ये मिली है मुझे, कंसीव बहुत आसानी से हुई थी लेकिन आगे का प्रोसीजर बहुत टफ था। तो यहाँ पे उसको कर रही हूँ और साथ साथ में अपना दाल को तड़का लग गया है, दाल चावल खाऊंगी, लेकिन पापा के लिए चपाती ज़रूर बनाऊंगी क्योंकि पता नहीं है, उनका शोर नहीं है कि वो चपाती खाने वाले हैं या दाल खाने वाले हैं। मैं तो हृथ्वी तो दाल चावल ही खाएंगे, घी वगैरह मार के, प्याज व्याज, एकदम से देसी वाला डिनर होगा हमारा। तो पापा और मम्मी के लिए 2-3 फुलके बना के रख लूँगी, जैसा भी उनका दिल होगा वैसे ही खा लेंगे। उनके अकॉर्डिंग भी बहुत सारी चीज़ें, मैं सबके अकॉर्डिंग करती हूँ तो बीच बीच में से अपने अकॉर्डिंग भी यार कर ही लेती हूँ। तो ये है हमारा माँ बेटी का डिनर, जिसमें दाल जो है वो ज़्यादा मात्रा में होती है और चावल थोड़े कम रखे जाते हैं। प्याज काटा है, नींबू डाल के, हरी मिर्च है, अचार है, यम्मी वाला खाना है। और उसके बाद सारे काम वाम ख़त्म हो गए, इसको नाइट ड्रेस भी पहना दी है, जस्ट किचन समेटने जा रही हूँ। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी भिगो दिए हैं। इसी के साथ आपको बाय बाय गाइस, सबका ध्यान रखें, साथ में अपना रहें, खुश रहें, पॉजिटिव माइंड सेट रखें, सब हिम्मत भगवान खुद देगा। थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।